नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ शिखा गुप्ता। दिल्ली में युवक की पहले तो गोली मारकर हत्या कर दी गई, फिर उसके शव को सूटकेस में रख कर नाले में फेंका गया। पुलिस ने मामले की जांच की और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सामने आया है कि आरोपी ने युवक से इंटीमेट फेवर मांगे थे, लेकिन जब युवक ने आरोपी की इच्छा पूरी नहीं की तो उसने गोली मारकर युवक की हत्या कर दी थी और शव को सूटकेस में रख कर नाले में फेंक दिया। हत्या में उपयोग हथियार और खून से सने कपड़ों को यमुना नदी में बहा दिया गया था। आरोपी, आपको बता दिए, MBA का छात्र है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक 10 जुलाई को अंबेडकर नगर थाने से एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका बेटा 32 साल का योगेश कुमार 9 जुलाई की सुबह से करीब 10:30 बजे नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाने का कहकर निकला था और वापस नहीं लौटा। पीड़ित पिता ने पुलिस को बताया था कि वो अपने परिवार के साथ मदनगिर इलाके में रहता है। साथ ही उसने बताया कि योगेश को रिहा करने के लिए अज्ञात नंबर से 20 लाख रुपये की फिरौती का भी कॉल आया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए योगेश की गुमशुदी का केस दर्ज किया था और साथ ही साथ DCP ने पुलिस की कई टीमें गठित कर योगेश की तलाश में भी लगा दी थी, लेकिन बाद में पता चला कि उसका कत्ल हो गया है, जो कि उसके दोस्त ने ही किया था। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे पंजाब केसरी।